आज मैं कुछ नया सिखाने जा रहा हूँ आपको, मल्टीप्लाई करने का एक नई ट्रिक सिखाने जा रहा हूँ। दो डिजिट की संख्या से ही मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे मल्टीप्लाई करना है बाय ट्रिक मेथड। 24 फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप फर्स्ट ये है कि यूनिट प्लेस पर जो संख्या दी गई है और जो डिजिट दी गई है उनको हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप है क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, एंड थर्ड स्टेप है टेंस प्लेस की डिजिट को भी मल्टीप्लाई करना है। और अगर कोई कैरी आती है तो नेक्स्ट में ऐड करेंगे। तो कैसे करेंगे, पहले स्टेप में हम मल्टी करेंगे तो 4 टू 8 हो जाएगा, फिर क्रॉस मल्टी करना है तो 2 टू 4 एंड 4 टू 4 और 4 और 4 8 होता है, 8 ना लेते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करना 2 बन जा 2 2 8 8 हो गया। इसको मल्टीप्लाई करने देख लेते हैं कैसे सही आ रहा है। 34 टू जा 48 एंड 24 बन जा 34 8 8 एंड 2 सही आ रही है। आगे होता देखते हैं 25 मल्टीप्लाई बाय 40। नाउ 5 4 20 0 कैरी 2। अब इसको हमें सेकंड स्टेप ग्रुप क्या करना है, क्रॉस मल्टी करना है। तो 4 टू जा 8 एंड 5 बन जा 5, 10 और 5 15 5 यहां आ जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा। और उसको मल्टी करेंगे 2 बन जाए 2, 2 और 1 ये हो जाएगा 3। देख लेते हैं 24 मल्टीप्लाई बाय 14, 25 4 जा 100 एंड 25 बन जा 25 ये जाएगा 0 5 मिस 3 ये डिजिट आ रही है। आगे देखते हैं हम 26 मल्टीप्लाई बाय 28, इसको करते हैं 6 8 जा 48, 48 8 कैरी 4। अब क्रॉस मल्टी करेंगे तो 8 2 जा 16 एंड 6 2 जा 12, तो 16 4 20 22 20 और 12 32 52 कैरी 3 2 2 जा 4 4 और 3 4 और 3 7 मनी कर लेंगे क्या ये देश आ गया 6 8 को मन में रखते पहले 6 8 जा 48 8 कैरी 4 8 और 16 और 4 20 6 2 जा 12 भी 2 कैरी 1 2 जा 4 और 1 5 8 2 7 7 20 8 भी आ रहा है। ये मेथड स्टेप एक जो है आईपीएस आईपीएस आईएएस और एनडीए जैसे एग्जाम तो जो कमीशन एग्जाम होते हैं उनमें ये दिस काफी मददगार होगी, काफी टाइम की बचत करेगी। तो और भी देख लेते हैं कैसे कर सकते हैं उसको। 28 मल्टीप्लाई बाई 45, 8 5 40 0 कैरी 4 प्रोसमेटिव 5 2 जा 10 एंड 8 4 जा 32 जो जाएगा 6 एंड 4 6 ही आ गया 4 भी कैरी। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से 4 2 जा 8 8 और 4 12 ये मल्टीप्लाई करने पे ये आ रहा है। इसको मल्टी अलग से कर देख लेते हैं कि ये डिजिट आ रही है 8 5 जा 40 0 5 2 जा 10 10 और 4 14 एंड 4 जा 32 3 4 2 जा 8 और 3 11 0 6 2 और 1 ये डिजिट आ रही है। तो ऐसे हम दो डिजिट की संख्या को दो डिजिट की संख्या से इस तरह से किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करके दे सकते हैं, चाहे वो 21 से लेकर 99 तक की ना हो, काफी तरीके से हो सकते हैं।